सजाए मौत के बेहद करीब हैं सभी आरोपी। निर्भया के गुनहगारों की फांसी घड़ी और नजदीक आ चुकी है। दोषी पवन गुप्ता ने अर्जी दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई थी पवन गुप्ता की ओर से जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। 3 मार्च फांसी की तारीख थी। डेथ वारंट 3 मार्च के लिए जारी किया गया था यानी कल का दिन, और उससे पहले आज के दिन की ये एक और कोशिश दोषी और उनके वकील की तरफ से फांसी से बचने के लिए। कल सुबह 6 बजे का वक्त पहले से ही फांसी के लिए तय था, लेकिन अब जो आज ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया ये बेहद अहम इसलिए क्योंकि एक बार फिर ये कोशिश थी कि किसी तरह से फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, तो ये बड़ा झटका दोषी और उनके वकीलों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप निर्भया के परिवार की नजर से इस मामले को अगर देखें तो वो मां जो लगातार 7 साल से कानून की हर दहलीज पर दरवाजा खटखटा रही है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर। पूनम शर्मा हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, बहुत बड़ा झटका दोषियों के लिए क्योंकि अब कार्रवाई के बेहद नजदीक, 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वक्त जो है वो लगातार सरकता जा रहा है और जो दोषी हैं उनके पास ऑप्शंस भी लगभग खत्म हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ पटियाला हाउस कोर्ट ने भी अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है उस याचिका पर जिसमें फांसी की सजा पर स्टे की मांग की गई थी, ये कहते हुए कि क्यूरेटिव पिटीशन अभी लंबित है। और दूसरी तरफ अक्षय ने भी ये पिटीशन इसलिए लगाई थी कि उसका कहना था कि उसने दोबारा राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है। हालांकि बिहार जेल प्रशासन ने और खुद कोर्ट ने सवाल ये खड़ा किया कि जब एक बार याचिका राष्ट्रपति के यहाँ से खारिज हो चुकी है तो अक्षय दोबारा याचिका कैसे लगा सकता है। ये तमाम चीजों के बीच में अब लगातार ये इंतजार हो रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है पवन की क्यूरेटिव पिटीशन, वैसे ही क्या आज जो स्टे के लिए पवन और अक्षय की तरफ से ये याचिका लगाई गई है कि फांसी पर स्टे किया जाए, क्या कोर्ट उस पर फैसला क्या लेता है। कोर्ट ने कहा है पटियाला हाउस कोर्ट ने कि आधे से एक घंटे के भीतर वो अपना फैसला सुना देंगे, और अगर ये फैसला इन लोगों के खिलाफ जाता है तो तय मानिए कि कल से 3 तारीख को ये तय है कि चारों को, निर्भया के चारों दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। पिछले लगातार 2 बार से हम देख रहे थे कि डेथ वारंट स्टे हो चुका था, ऐसे में लोगों के मन में शंका थी कि जब 17 फरवरी को जो है वो तीसरी बार डेथ वारंट जारी हुआ था कि क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो अब पूनम लौटते हैं आपके पास, बहुत अहम जानकारी आप यहाँ पर दे रही है। संजय शर्मा भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। संजय, सुप्रीम कोर्ट से तो पवन की याचिका खारिज हो गई है लेकिन फांसी पर स्टे को लेकर भी जो एक सुनवाई अहम होनी है, अब निगाहें उस पर टिकी हैं। मेरा मानना है कि वही हुआ है जिसकी आशंका थी और वही होगा जिसकी आशंका है। अव्वल तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने इन चैम्बर हेयरिंग की क्यूरेटिव पिटीशन पे, और जैसा कि हमें पहले से ही लग रहा था, जैसी आशंका थी कि वो उसे खारिज ही करेंगे और वो खारिज हुआ। इसके साथ ही अब आशंका क्या जो होने वाला है 3 तारीख को, यानी मुझे लग रहा है कि मेरे अब तक के अनुभव के हिसाब से 3 तारीख को फांसी नहीं हो सकती है क्योंकि अभी राष्ट्रपति के पास उसके दया याचिका पेंडिंग है। जब तक एक भी अपील कहीं पर पेंडिंग है तो उस समय फांसी नहीं लगाई जा सकती, और 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाने वाला है कि इन चारों को अलग अलग फांसी हो या एक साथ फांसी हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। जब तक ये भी फैसला नहीं आता तब तक फांसी कैसे लगाई जा सकती है। इसलिए लिहाजा पवन जल्लाद चाहे कितने भी ट्रायल कर ले, लेकिन 3 तारीख को ऐसा लग रहा है कि फांसी नहीं होगी, उसके बाद ही कोई दूसरा डेथ वारंट जारी होगा जिस पर आगे की कार्रवाई पर वो होगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने दोषियों के वकील एपी सिंह को ये फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आप आखिरी वक्त पे ही याचिकाएं क्यों लगाते हो, आपका मकसद बिल्कुल साफ है कि मामले को डिले करना, लिंगर ऑन करना और लटकाए रखना, तो उसे बिल्कुल साफ है कि जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उससे 3 तारीख को तो फांसी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या विकल्प बचे हैं दोषियों के पास, क्योंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं संजय, लगातार मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है, जो पीड़िता का परिवार है वो भी 7 साल से संघर्ष कर रहा है, ऐसे में कोर्ट भी एक अहम स्टेटमेंट दे चुका है, उनका ये कहना है कि लगातार जो पैंतरे आजमाए जा रहे हैं दरअसल डिले टैक्टिक्स है, ऐसे में अब क्या विकल्प बचा है? विकल्प तो अब एक ही है इनके पास, पवन के पास, कि वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाए, और उसने दया याचिका लगाई भी है। हालांकि जेल प्रशासन ये कह रहा है कि उसमें जिसको ये अपूर्ण दया याचिका बता रहे हैं, बिना समुचित दस्तावेजों के वो दया याचिका बता रहे हैं, वो दया याचिका दरअसल
सारे दस्तावेज जो उनको जरूरी हैं दया याचिका लगाने के लिए वो सारे दस्तावेज मुहैया कराए गए थे। लिहाजा ये सिर्फ जो कानूनी दावपेच है उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कानूनी प्रावधानों के मुताबिक लेकिन उसके कुछ जो लूप होल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपनी याचिकाएं लगाई हैं और इसमें वो लगातार लिंगर ऑन कर रहे हैं। यानी कि संजय हम ये तय माने कि कल फांसी नहीं होगी? जी हाँ, मुझे मेरा अब तक का अनुभव है और जो कानूनी प्रावधान है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि कल फांसी नहीं होगी। चलिए बड़ी खबर यहाँ पर संजय दे रहे हैं। पहले देखिए कल सुबह 6 बजे का वक्त डेथ वारंट के हिसाब से फांसी के लिए तय है, लेकिन जो ये कानूनी पेचीदगियां हैं ये अपने आप में इस मामले को लगातार इसमें देरी करते हुए दिखाई दे रही हैं। आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट से दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गई है, लेकिन जिस बात की जानकारी संजय हमें दे रहे हैं कि एक याचिका अभी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, तो वहीं क्यूरेटिव पिटीशन पर भी फैसला आना है अभी एक और, तो ऐसे में 5 तारीख की सुनवाई अभी और अहम हो जाती है। लेकिन इंतजार बढ़ता चला जाता है उस परिवार के लिए जो पिछले 7 साल से लगातार कानून की हर दहलीज पर इंसाफ के लिए पहुंच रहा है।